प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिशपाल चौहान 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है और प्रैक्टिस के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हम पहला ही क्वेश्चन जो होता है पार्ट ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो लेके चलते हैं आप सबके सामने। और रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, 10 मार्क का होता है मार्क्स का, और ये 10 मार्क्स जरूरी नहीं है, 10 हो तो ये बदलते रहते हैं जैसा भी आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं आएंगे उसके हिसाब से देख लेना। तो पहला क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन जो होता है यही होता है, और पैसेज मैं पढ़ देता हूँ, फिर जो भी क्वेश्चन होंगे उसका जवाब हम ढूंढेंगे। मम आई शाउटेड, नरेटर इसमें अपनी तरफ से लिख रही हैं, तो मम अपनी माँ को वो कह रही हैं। आई शाउटेड, आर यू ओके, आप सही हो, आप ठीक हो, आर यू ओके, आर यू फीलिंग बेटर, ये कुछ भी कहे, आप सही हो, स्वस्थ के बारे में भी कह सकते हैं आर यू ओके। आई सॉ हर लिटिल टेंट शडरिंग, आई सॉ हर लिटिल टेंट शडरिंग, मैंने नरेटर यहाँ पे कह रही हैं कि मैंने अपनी माँ के टेंट को शडरिंग करते देखा, हिलते हुए देखा, नरेटर कहते हैं इसमें। शडरिंग, श्रिंकिंग और नैरोइंग मतलब हिलते हुए देखा, हवा में वो नैरो हो रहा था, चिपक रहा था एक किस्म से। इन दी गेल स्टॉर्म होती है, विंड स्टॉर्म, तेज हवा को गेल कहते हैं। एंड लिसन क्लोजली फॉर हर रिस्पॉन्स, और उसके रिस्पॉन्स के लिए, अपनी माँ के रिस्पॉन्स के लिए कान लगा के वो सुनने लगी, नरेटर जो है। हर वॉइस वॉज ऑलमोस्ट कैजुअल, माँ ने बड़े कैजुअल वे में कहा, ओ यस आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। दैट्स माई मदर, वो मेरी माँ है। इट वॉज द फर्स्ट नाइट ऑफ आवर साइकिलिंग ट्रिप, ये हमारे साइकिलिंग ट्रिप की पहली रात थी। थ्रू द इंटीरियर ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड के बिल्कुल बीचों बीच थे वो। अ रीजन सो रिमोट एंड इनहॉस्पिटेबल, एक इलाका जो बिल्कुल अनफ्रेंडली एटमोसफियर है, हर खतरनाक है वहाँ का एटमोसफियर, रिस्की है, तेज हवाएँ चलती हैं, बर्फीली तूफान का भी डर होता है वहाँ पे। अ रीजन, रीजन मीन्स एरिया, इलाका, सो रिमोट, दूर दराज का इलाका है, रिमोट है, और इनहॉस्पिटेबल है, अनफ्रेंडली है, हर मतलब बिल्कुल रहने के योग्य नहीं है, अनफ्रेंडली। दैट फॉर सेंचुरी, और कई शताब्दियों से वो अनफ्रेंडली है, रिमोट है एरिया आइसलैंड। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, लेजेंड एक मिथ को बोलते हैं, इट वॉज अबैंडन्ड, और छोड़ी हुई जगह है, कोई वहाँ आता जाता नहीं है, बिल्कुल लेफ्ट आउट प्लेस है, खतरनाक प्लेस है, तो वहाँ पे टेंट लगाया हुआ है और हवा में वो हिल रहा है। तो माँ से नरेटर ने पूछा कि आर यू ओके, वो कैजुअल मैनर, ओ यस आई एम ओके। द वेदर वॉज डिसाइडेडली हरिकेन लाइक, एब्सोल्युटली डिसाइडेडली मीन्स पूरी तरह से हरिकेन लाइक था, जैसे तूफान उठेगा। बट मम वाजंट कंसर्न, मम को कोई चिंता नहीं थी, कंसर्न का मतलब यहाँ वरिड है। मंथ्स अगो, कई महीनों पहले की बात अब याद कर रही हैं नरेटर। आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान टू पैडल अक्रॉस आइसलैंड, कि मैंने अपनी माँ को अपनी योजना के बारे में बताया था कि मैं आइसलैंड में पैडलिंग करूँगी, साइकिलिंग करूँगी, अक्रॉस उसको पार करूँगी। इट विल बी रियली डिफिकल्ट आई सेड, और खुद उसने नरेटर ने कहा कि हाँ ये मुश्किल रहेगा काम, है तो मुश्किल काम होगा। और द रोड्स आर अनपेव्ड एंड ऑफन वॉश्ड आउट, जो सड़कें हैं अनपेव्ड हैं, पेमेंट नहीं है, और बारिश के दिनों में जैसे पानी आता है तो वॉश आउट भी हो जाती हैं, टूटे हुए बर्न, उनके किनारे टूटे हुए हैं। एंड द विंड इज ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली, और हवा तेजी से चलती है, तेज हवाएं चलती हैं वहाँ, समटाइम्स सो हार्ड, कई बार इतनी तेज चलती हैं कि सपोज करो वो साइकिलिंग करे तो उसको पुश करके कहीं धकेल भी सकती है, गिरा भी सकती है, सड़क से नीचे गिरा सकती है। ये हमने हिंट दिया है यहाँ पे कि जो पहला क्वेश्चन होगा उसका उत्तर यहाँ आसपास मिलेगा। देयर वाज साइलेंस फॉर अ मोमेंट, अपनी माँ को ये बात कही उसने, और फिर सन्नाटा सा रहा एकदम।
देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, कैन आई कम, क्या मैं आ सकती हूँ? श्योर, आई रिप्लाइड, मैंने कहा बिल्कुल आ सकती हो, उत्तर दिया। बट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यू हैव टू ट्रेन, जैसे हम बाकी हम हैं जो हिस्सा ले रहे हैं उसमें, तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपनी। ट्रेन टू डू 260 किलोमीटर्स ए डे बैक टू बैक, आपको 160 किलोमीटर बैक टू बैक दो आना और जाना यात्रा करनी, उस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साइकिलिंग की। वाओ, शी सेड, आई कुड नेवर डू दैट, मैं ऐसा नहीं, कभी नहीं कर पाऊंगी, उसने कहा माँ ने। आई हैड मोर फेथ इन माई मदर्स फिजिकल एबिलिटीज देन शी डिड, नरेटर कहती हैं कि मुझे अपनी माँ की सामर्थ्य में, कैपेबिलिटीज में बहुत विश्वास था, इतना विश्वास कि उतना उनको भी नहीं था, माँ से अधिक विश्वास बेटी को था। आई हैडन सीन हर रेज, आई हैड सीन हर रेज 6 children, मैंने उसे देखा था कि 6 बच्चों को पाला पोसा है, बड़ा किया है। एंड पुट इट इन लॉन्ग आवर्स डूइंग फिजिकल लेबर्स, और कई घंटों तक फिजिकल लेबर कर करके उसने गुजारा किया है ऑन अवर स्मॉल फार्म, छोटे से फार्म पे मेहनत की है उसकी माँ ने, कितनी वो उसमें परिश्रमी महिला है। लिफ्ट का मतलब उठाना भी होता है यहाँ, ये तो नहीं है कि 6 बच्चों को उठाते हुए देखा है, यहाँ पे पालन पोषण से रेस करना, पालन पोषण, ब्रिंग अप। श्योर यू कैन, आई टोल्ड हर, माँ को कहा नरेटर ने, हाँ आप कर सकती हो, मुझे विश्वास है कर सकती हो, स्टार्ट मारो, कल से शुरू करते हैं। व्हाट रियली कंसर्न मी वाज व्हाट आई परसीव टू बी हर फ्रस्ट्रेटिंग ह्यूमिलिटी, जो मुझे अधिक चिंतित कर रही थी वो क्या थी, जो मैं रियलाइज कर रही थी, परसीव कर रही थी, महसूस कर रही थी, उनकी ह्यूमिलिटी बहुत, इतनी विनम्रता है कि वो फ्रस्ट्रेट, देखने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता, बेटी एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, जो कह रही है कि मुझे इतनी विनम्रता नहीं होनी चाहिए, अधिक थी, ओवर वर्चुअस जैसे होते हैं, और ये क्यों थी, वो अपने आप को हीन, मतलब हीन भावना थी उनमें, वो कभी कॉलेज नहीं गई इसलिए दूसरों के सामने अधिक विनम्र हो जाती थी। आई थॉट हर टू सेल्फ डेप्रिकेटिंग, अपने आप को छोटा कर लेती थी वो, सेल्फ डेप्रिकेटिंग थी वो चीज़, बिलिटल करना, अंडर एस्टिमेट करना, अपने आप को कम आंकना। अबाउट हर इंटेलेक्ट, जस्ट बिकॉज शी हैड नॉट कम्प्लीटेड कॉलेज, क्योंकि उन्होंने कॉलेज कम्प्लीट नहीं किया था, कॉलेज की क्लासेस पूरी नहीं की थी, तो इस वजह से अपने अपना वो मूल्यांकन कम, अपने आप को कम आंकती थी, अपने आप को मानती थी कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँगी, ये भावना थी। आई फेल्ट शी अंडर एस्टिमेटेड हर अट्रैक्टिवनेस, अपनी जो चार्म होती है, आकर्षण होता है व्यक्तित्व में, तो उसको भी अंडर एस्टिमेट करती थी, बिकॉज शी वॉज नॉट द टाइप ऑफ टू वेयर मेकअप और फैंसी क्लोज, क्योंकि वो मेकअप नहीं लगाती थी, फैंसी क्लोज नहीं पहनती थी, इसलिए वो सोचती शायद मैं सुंदर भी ना हूँ, दिखती हूँ। एज आई हैड ग्रोन इन टू एडल्टहुड, जैसे ही फिर लिखी नरेटिव रहती है कि मैं बड़ी हुई, एडल्ट बनी, द लाइफ आई हैड चोजन, जो जीवन नरेटर ने अपनाया अपना, सीम्ड लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर्स मीन्स बहुत दूर, फार फार अवे, लाइट ईयर जो उसको साउंड को, जो दूरियों को नापते हैं उसमें, लाइट ईयर में नापते हैं, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, फार फार अवे से मतलब है यहाँ पे, फ्रॉम मम्स क्वाइट एग्जिस्टेंस, माँ का जीवन बड़ा शांत सा है, हर वक्त अपने आप को काम में बिजी रखना, तो कहती है कि मेरा जीवन तो बहुत ही दूर है माँ से, मैं माँ जैसी नहीं बन सकती। स्टिल केयरिंग फॉर हर चिल्ड्रन, अब भी वो अपने बच्चों की केयर कर रही होती हैं, एंड हर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, उनके बच्चों की भी केयर कर रही होती हैं। समटाइम्स ऑन ए विजिट होम, जब घर में आती है नरेटर, आई डिस्क्राइब सम रिसेंट ट्रिप आई हैड टेकन, मैं अपनी माँ के सामने कुछ हाल ही में जो ट्रिप किए हैं उनको नरेट करती हूँ, सुनाती हूँ। एंड हर ब्लू आईज वुड शाइन विद इंटरेस्ट, उनकी नीली आंखों में चमक आ जाती है। सो आई कुडंट हेल्प थिंकिंग दिस ट्रैक माइट रिवाइटलाइज, और मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सकती कि ये जो ट्रिप है उसकी माँ में एक नया जीवन जगा सकती हूँ।
रिवाइटलाइज कर सकती हैं, उन्हें एकदम रिफ्रेश कर सकती हैं, री एनर्जाइज कर सकती हैं, एक ऊर्जा उसमें माँ में भर सकती हैं जब वो विवरण करती है नए नए ट्रिप्स के। मम हु हैड स्टार्टेड टू स्लो डाउन इन हर 50s, और 50s में वो थी उस समय, हैड स्टार्टेड टू स्लो डाउन मीन्स थोड़ा जैसे एनर्जी कम हो जाती है बुढ़ापे में, जैसे 50 के बाद आदमी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है, बढ़ता जाता है, तो क्षमताएं वो कम हो जाती है, एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है, तो वो ट्रिप सुना सुना के री एनर्जी एनर्जाइज करती थी उनको ताकि और चमक रहे उनमें। इट माइट स्पाइस अप व्हाट आई सॉ एज हर हम ड्रम, क्योंकि लाइफ उनकी बोरिंग थी तो उस लाइफ में थोड़ा जैसे मसाला डाल देते हैं, स्पाइस अप कर देते, मतलब एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। एंड इट माइट बी ए बूस्ट टू हर टेंटेटिव एंड रिटायरिंग परसोना। टेंटेटिव एंड रिटायरिंग परसोना का मतलब परसोना करेक्टर होता है, टेंटेटिव होता है अनसर्टन, जो निश्चित नहीं होता, तो अपनी बातें सुना सुना के उनकी डल बोरिंग लाइफ को वो दिलचस्प बना देती हैं। मम ट्रेन फ्यूरियसली मंथ्स इन एडवांस, और जब वो ट्रिप पे आ जाती है तो माँ ने खूब अपने आप को ट्रेन पहले से ही ट्रेन कर लिया। एज द ट्रिप रोस्टर वाज पेयर्ड डाउन टू मम, माय गुड फ्रेंड एलन एंड मी, जब तीनों को वो शेड्यूल मिला, रोस्टर लिस्ट होती है, शेड्यूल होता है, टाइम टेबल जैसे होता है, पेयर्ड मींस प्रेजेंटेड किया गया, शी स्टूड एज द मोस्ट डेडिकेटेड, और वो पूरी जोश में और पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ खड़ी होगी एकदम। सोन शी वाज राइडिंग, और जल्दी उन्होंने राइडिंग में काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाए, 80 to 100 किलोमीटर्स पर डे, एक दिन में 80 से 100 किलोमीटर, एंड वाज एज स्ट्रॉन्ग ए राइडर एज एलन और आई, और उतनी ही मेहनत से वो उतनी मजबूत जितने कि मैं या एलन। तो यहाँ पैसेज ये खत्म हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में फिलअप्स हैं उनको पूरा करना है। द नरेटर डिस्क्राइब्स द रोड्स अक्रॉस आइसलैंड एज, आंसर मैंने दे दिया, अनपेव्ड एंड ऑफन वॉश्ड आउट। आप इसके आंसर को बैक देख सकते हैं, आंसर ए, जहाँ पे ए लिखा मैंने वो इसका आंसर होगा, तो ए यहाँ, द रोड्स आर अनपेव्ड एंड ऑफन वॉश्ड आउट, क्लियर। अब बी भी यही दिख रहा है आपको आसपास, ये बी है, आई हैड सीन हर रेज 6 children एंड पुट इन लॉन्ग आवर्स डूइंग फिजिकल लेबर ऑन आवर स्मॉल, ये क्वेश्चन है आपका बी। बी में क्या है, द नरेटर हैड फेथ इन हिज मदर्स फिजिकल एबिलिटीज एज ही हैड सीन हर लेबरिंग ऑन फार्म्स एंड रेजिंग 6 children, ही या शी, जो भी नरेटर, शी भी हो सकती है, कोई हिंट नहीं है यहाँ पे, ही भी, तो लेबरिंग के बारे में था फार्म पे। द ट्रेनिंग टू टेक द एडवेंचर ट्रिप ऑन साइकिल इंक्लूडेड 2 160 किलोमीटर a day, ये सी पार्ट देखिए आप, सी सी पार्ट बी सी, वाह, सी सेड आई कुड नेवर डू दैट, आगे मिलेगा, आई हैड मोर फेथ इन मदर फिजिकल, यहाँ से। और डी पार्ट भी देख लेते हैं हम यहीं पे पहले, एज आई हैड ग्रोन इन टू अडल्टहुड द लाइफ आई हैड चोजन सीम्ड लाइट ईयर्स मीन्स फार फार अवे, वो वाली बात थी इसमें, तो क्वेश्चन डी भी देख लेते हैं यहाँ पे। सी हो गया किलोमीटर्स ए डे, डी इन हिज अडल्टहुड द नरेटर, यहाँ ही मान के चले गए, रियलाइज दैट हिज लाइफ वॉज फार अवे फ्रॉम मदर्स डिवोशन फॉर हर चिल्ड्रन, राइट, थोड़ा चेंज करके आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज ट्रिप्स आर ऑलवेज मेड हर ब्लू आईज शाइन विद इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट, ये ई पार्ट यहाँ मिल जाएगा आपको, ई ब्लू आईज वुड शाइन विद इंटरेस्ट, थोड़ा सा चेंज करके आप लिख सकते हैं। और एफ पार्ट, द नरेटर वॉज श्योर दैट द ट्रिप वुड रिजुविनेट इंस्पायर्स अप हर लाइफ, एफ पार्ट देखिए,
हो गया एफ, इट माइट स्पाइस अप, थोड़ा चेंज करके आप लिखेंगे यहाँ पे, और जी पार्ट, इसके बाद जी क्वेश्चन बचा है हमारा, देखिए, द नरेटर एंड हिज फ्रेंड वर श्योर अबाउट मॉम्स प्रेपरेशन व्हेन दे सॉ हर राइडिंग, ये लास्ट में था, आप देख सकते हैं इसमें लास्ट में ये वाला पार्ट है, एफ पार्ट, जी पार्ट। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन है काफ़ी, इसमें आपको पहले फटाफट पैसेज को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन पे आके फिर ढूंढने हैं, वहाँ अंडरलाइन करें, थोड़ा सा चेंज करें, लिख दें आंसर, और कई जगह समझना आए तो गैस कर लो मीनिंग को, हो जाता है। और बहुत ही आसान पैसेज है, सभी कर सकते हैं आंसर इस क्वेश्चन को, अगर पहले लिटरेचर पार्ट आप करेंगे, जो आता जो फटाफट लिख सकते हैं वो पार्ट करना, इसको लास्ट में ले सकते हैं, क्योंकि समय आपका फालतू लग सकता है इस पर, शुरुआत में इसे मत लीजिए। तो जिनकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं वो शुरू में ले लें, चाहे बीच में ले लें, चाहे अंत में, पर जिनकी रीडिंग स्किल इतनी डेवलप नहीं है वो उसे बाद में ही लें तो बेहतर होगा, बाकी आपकी इच्छा। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके सामने डिस्कस करूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।